IPL 2021 पार्ट 2 के अपने पहले मैच में KKR के खिलाफ ब्लू जर्सी पहनकर खेलने उतरेगी कोहली की टीम RCB। इस जर्सी को पहनने का मकसद है खास, बताएंगे आपको पूरी खबर। अगर आप RCB की टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। IPL 2021 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 19 सितम्बर से ही हुई ओमान में इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैच खेले जाएंगे। तो वहीं RCB के दूसरे चरण में पहला मुकाबला 20 सितंबर को KKR से होगा। हालांकि इस मैच में RCB की टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। KKR के खिलाफ मैच में RCB की टीम रेड या ग्रीन जर्सी में नहीं बल्कि ब्लू जर्सी पहनकर खेलेंगे। दरअसल विराट कोहली कप्तानी वाली टीम RCB ने कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के सपोर्ट में नीली जर्सी पहनकर खेलने का फैसला लिया है। इस जर्सी को PPE किट के कलर में बनाया गया है और खिलाड़ियों के जर्सी नंबर और नाम के साथ खास मैसेज भी लिखे गए हैं। इस बात की जानकारी खुद RCB ने ट्विटर के जरिए दी। इसमें बताया गया है कि RCB के खिलाड़ियों के जर्सी नंबर के साथ मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने, हाथ धोने के मैसेज दिए गए हैं, जिससे लोग कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए प्रेरित हों। खास तौर पर RCB की टीम रेड जर्सी में खेलती है, जबकि हर साल वह एक मैच ग्रीन जर्सी में खेलती है, जिसका मकसद होता है पर्यावरण को सपोर्ट करना। लेकिन दूसरे चरण के पहले मैच में यह टीम ब्लू जर्सी में खेलने उतरेगी। खास है ब्लू जर्सी। RCB के खिलाड़ियों ने बताया कि यह ब्लू जर्सी बहुत खास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रही है। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को भी बायोबल में रहकर खेलना पड़ रहा है। बायो सिक्योर इन्वायरमेंट में खिलाड़ियों को पूरे टूर्नामेंट के दौरान रहना पड़ता है। IPL 2021 का पहला फेज भारत में खेला गया था। बायोबल में कोविड-19 के मामले आने के बाद इसको स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद अब बचे हुए मैच UAE में खेले जाने हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी और खबरों के लिए।